एंड वेलकम टू ग्रीन सिटीजंस। आज हम फूड हैबिट्स की बात करेंगे। खाना हमारे सर्वाइवल के लिए बेसिक नेसेसिटी है और दुनिया में जितने भी मैन मेड कार्बन फुटप्रिंट्स है उसमें से 30% कंट्रीब्यूशन खाने की वजह से है। तो क्या हमें खाना बंद करना है? नहीं, हमें सिर्फ इको फ्रेंडली खाने पे शिफ्ट करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने डेली डाइट से एनिमल बेस्ड फूड्स को कम करना है। एनिमल बेस्ड फूड पर्यावरण में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करते हैं। फूड की टोटल कार्बन फुटप्रिंट में एनिमल बेस्ड फूड का कंट्रीब्यूशन लगभग 80% है। ऐसा होने का एक कारण यह भी है कि पिछले 50-60 वर्षों से विश्व भर में एनिमल बेस्ड फूड की डिमांड लगातार बढ़ रही है। यदि हम तुलना करें तो मीट बेस्ड फूड ही सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इंसान सोलर एनर्जी, फूड आइटम्स और पानी कंज्यूम करता है जिससे उसकी कार्बन फुटप्रिंट्स बनती है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों के उपरांत इंसान एनिमल्स को भी कंज्यूम करता है और वे भी सोलर एनर्जी, फूड और पानी कंज्यूम करते हैं। इस तरह डबल एनर्जी का उपयोग होता है। इतना ही नहीं, पशुपालन के लिए पैदा किए गए प्राणी हमारी तरह ही सांस लेते हैं, पर्यावरण से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। गाय, बकरी और भेड़ जैसे प्राणी जिन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है, वे अपनी अनोखी पाचन क्रिया की वजह से पर्यावरण में ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस भी रिलीज करते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जिससे पता चलता है कि 1 किलो बीफ या मीट के लिए 1 किलो अनाज के मुकाबले कई ज़्यादा पानी, ज़मीन और एनर्जी का उपयोग होता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज भी काफ़ी एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। पूरे विश्व में जितनी ज़मीन पर एनिमल फार्मिंग होती है, यदि उतनी ही जगह में ग्रेन या वेजिटेबल फार्मिंग की जाए तो पर्यावरण में ऑक्सीजन कम होने की जगह पे बढ़ जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार नॉन वेजिटेरियन का कार्बन फुटप्रिंट वेजिटेरियन इंसान के मुकाबले 2 गुना होता है। प्लांट बेस्ड फूड्स में सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट चॉकलेट और कॉफ़ी की होती है। 40 ग्राम के डार्क चॉकलेट बार का कार्बन फुटप्रिंट लगभग 300 ग्राम होता है। 1 पाउंड रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स का कार्बन फुटप्रिंट लगभग 11 पाउंड होता है। ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मिलेट्स को इको फ्रेंडली ग्रेन कहा जाता है क्योंकि मिलेट्स दूसरे अनाज के मुकाबले 70% कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। मिलेट्स विषम पर्यावरण में भी तैयार हो जाते हैं। मिलेट्स उगाने के लिए कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और मिलेट्स में अन्य अनाज के मुकाबले ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। इन टिप्स को यूज़ करके हम अपना फूड कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आया हो तो इसे औरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ग्रीन सिटीजंस। सी यू सून।